हेलो डियर फ्रेंड्स, आई डॉक्टर शमशेर सिंह वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फार्मा लर्निंग। सो आज मैं आपके साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है एसिडिटी एंड इट्स रेगुलेशन। तो इसका मतलब मैक्सिमम आज आपने लोगों को देखा होगा कि हर इंसान कहता है मेरे चेस्ट में और मेरे पेट में क्या हो रहा है, जलन हो रहा है। तो मैं आपको आज ये सिंपल सा बता दूं कि आप जो लोग जिनको जलन होता है, जिनको एसिडिटी होता है, इसके क्या क्या रीज़न है, कौन से फूड हैं जो एसिडिटी करते हैं, कौन से फूड हैं जो एसिडिटी नहीं करते, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए किस टाइम पे नहीं खाना चाहिए, लिक्विड लेना चाहिए फूड या सॉलिड फॉर्म में लेना चाहिए। तो एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू टूडे इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसलिए आने वाले टाइम पे भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एसिडिटी से सफ़र करते हैं तो अपने एसिडिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं इसको रेगुलेट, आप ट्रीट कैसे करते हैं, बिना मेडिसिन से आप एसिडिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या किस कंडीशन में आपको अब मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। सो आई विल डिस्कस विद यू इन ए वेरी शॉर्ट इन एंड ए वेरी प्रॉपर वे। सो आपको ये बता दूं कि अगर हम देखें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी पाचन क्रिया है, जो हमारा खाने वाला सिस्टम है, वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द माउथ। तो वो आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये माउथ से लेकर नीचे चला जाता है, सपोज टू दिस साइड, और नीचे जाएं तो यहाँ पे आपका आ जाता है स्टमक। तो ये जो स्टमक है ये जे शेप ऑर्गन है एक, और स्टमक के नीचे आपका क्या आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको आप आंतड़ियाँ कहते हैं। तो ऐसे जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर आप देखें तो ऐसे रोल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उसके बाद आपका आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपका आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से आप वेस्ट मैटर बाहर निकालते हैं, उसको हम कहते हैं एनल अपर्चर, एनस कहते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों, ये जो आपका ट्रैक है जिसको आप डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं या आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, द लेंथ ऑफ दिस सिस्टम इज 9 मीटर। तो इसका एक लेंथ होता है 9 मीटर या 30 से 32 फीट के आसपास, इतना इसका एक लेंथ होता है। अब अगर आप कहें कि इसका लेंथ क्या सेम रहता है, नो, इट कैन वेरी लिटिल बिट डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी लेंथ, आपकी लेंथ कितनी है, आपकी विड्थ कितनी है, आपको मोटापा कितना है, जहाँ आप किस टाइप का खाना खा रहे हैं, तो उस पर यह क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, अगर हम देखें इसका लेंथ बढ़ता है जब इंसान की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा ये जो ट्रैक है इसमें क्या रहता है, ये इनसेंसिटिव हो जाता है। मतलब डेड बंदा अगर आप देखें तो डेड बंदे के जितने मसल है वो रिलैक्स कर जाते हैं ऐसे। सो इंटरनल स्मूथ मसल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ बढ़ जाती है, ऐसा रिपोर्टेड है कि इसका लेंथ जो है 6-7 टाइम जो है नॉर्मल से बढ़ जाता है। कहने का मतलब अगर नॉर्मल इंसान का 9 मीटर है तो 7-8 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो उतने मीटर ये बन जाएगा। अब मैं जो आपको इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो आप फूड लेते हैं, यू टेक द फूड फ्रॉम द ओरल कैविटी। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ये मेरे लिप्स हैं, इंटरनल जो कैविटी है उसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं, एंड वी से इट इज़ ए ओरल कैविटी। अब जो ओरल कैविटी है, इफ़ यू विल सी योर माउथ, अपर साइड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अपर जॉ एंड लोअर साइड बाय द लोअर जॉ एंड टंग। तो आपका टंग भी प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ फ्रॉम द आउटर साइड कवर्ड बाय योर टीथ। तो इंसान के 28 से लेकर 32 टीथ रहते हैं, आपको पता है, वेरी करते हैं। तो इसलिए ये जो आपका बक्कल कैविटी है जिसमें जब आप खाना लेके जाते हैं तो उस खाने को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टीथ, तो एक बॉलस शेप में बन जाता है, राउंड शेप, जो आपका यहाँ ईसोफेगस से नीचे जाता है, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। तो ये जो ईसोफेगस है दोस्तों, वो आपका एक पाइप है जो कि मूवमेंट करता है लिटिल बिट, इट यू कैन नॉट फील, अगर आप ऐसे देखें तो आपको फील नहीं होगा, बट इसकी लिटिल बिट मूवमेंट रहती है जिसको आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो इस मूवमेंट से क्या होता है, आपका फूड जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि बक्कल कैविटी में आपका एक एंजाइम था सेल्वरी अमाइलेज।
तो ये सैलरी या माइलेज ऑलमोस्ट अगर देखें तो मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं HCl फॉर्मेशन और HCl आपको एसिडिटी कैसे करता है। तो सिंपली अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो हम स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम 0 to 14। तो हमारा एक स्केल होता है जो हमारा चलता है 0 to 14, और 0 से स्टार्ट हो जाता है हमारा बेस, और ये 7 पे जो है सेंट्रल पॉइंट आ जाता है। अब जो 7 है, 7 मैंने बोल दिया, इसका मतलब दिस इज़ ए न्यूट्रल पॉइंट। तो दोस्तों, आप जब भी पानी पीते हैं तो आपको पता है पानी का कोई टेस्ट नहीं है। इसका टेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ये एसिडिक है ना ये बेस है। अगर एसिडिक होता तो आपको थोड़ा सा खट्टापन लगता, खटाई में होता। अगर बेस होता तो थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देता आपको। तो इसलिए जो आपका वाटर है, जो कि आपके ब्लड में भी प्रेजेंट होता है, और 95% आपके ब्लड में वाटर प्रेजेंट है, जिसको आप H2O कहते हैं। सो दैट मीन दिस वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन योर ब्लड इज ए न्यूट्रल थिंग। तो इसलिए दोस्तों, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप अपनी आइज वॉश करते हैं तो तभी भी आपको जलन नहीं होता, क्योंकि इट इज़ ए न्यूट्रल। बट रहता क्या है, हमारा जो स्टमक है, यहाँ पे तो हमारा जो pH है फ्रॉम ओरल कैविटी टू ईसोफेगस, इट लाइज अराउंड 6.4 to 7। यहाँ पे इतना pH रहता है, क्योंकि सल्वरी एमाइलेज का जो pH है दैट इज़ बिटवीन 6.45 to 7 अराउंड। बट यहाँ पे आके हमारा pH जो होता है डाउन हो जाता है। अब मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ pH होता क्या है। सो pH होता है एनीथिंग विच विल लिबरेट द हाइड्रोजन आयन इन योर बॉडी, उस पर pH डिपेंड करता है। जो फूड, जो भी सब्सटेंस H पॉजिटिव ज़्यादा रिलीज करता है, इट मीन्स उतना HCl फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्लोराइड तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है थ्रू वाटर और सो मैनी अदर थिंग्स। सॉल्ट में भी NaCl है, जो आप नमक खाते हैं उसमें NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, तो क्लोराइड वहाँ से भी बॉडी में अवेलेबल होता है। बट मैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा कि आपका HCl फॉर्मेशन कैसे होता है। बट हेयर आई विल टेल यू वन थिंग कि जब भी हम 0 से मूव करते हैं तो हम 7 पे आ जाते हैं। 7 को हम न्यूट्रल कहते हैं, वाटर इज ए न्यूट्रल। तो अगर हम 7 से नीचे की तरफ जाएं, इसका मतलब एसिडिटी बढ़ रही है, पीएच नीचे की तरफ जाए। तो अगर पीएच टूवर्ड अपर साइड जाए फ्रॉम 7 to 14, तो इसका मतलब बेसिसिटी बढ़ रही है। अब जब आपके पेट में एसिडिटी बढ़ेगी तो इसका कहने का मतलब आपको जलन होगा। जैसे कि आयुर्वेदा ने भी ये रिपोर्ट की है कि अगर कोई भी इंसान लॉन्ग टर्म एसिडिटी से सफ़र करता है, वो एसिडिटी उसके ब्लड में भी चली जाती है। जब वो ब्लड में चली जाती है तो उस बंदे को हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब अब उसका ब्लड भी एसिडिक हो गया। पहले तो स्टमक ही एसिडिक था, अब उसका ब्लड भी एसिडिक हो गया। अगर एक इंसान का ब्लड एसिडिक हो जाए तो आपको बता दूँ, कोई भी आप मेडिसिन दें या कोई भी आप नॉर्मली ऐसा सब्सटेंस यूज़ करें जिसको आप कहते हो कि हर्बल नेचुरल, वो भी 1-1.5-2 मंथ लगा देता है एसिडिटी को कम करने से। अदरवाइज उस पेशेंट को हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम रहती रहती है। सो दोस्तों, हम क्यों ना इसको यहीं कंट्रोल करें। तो ये जो लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और भी आने वाले, उसमें यही लेक्चर करूँगा कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कौन से बिना मेडिसिन के मेथड हैं और कौन से मेथड हैं जिस पे आपको मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो आपका होता है HCl दैट इज़ फॉर्म्ड हेयर इन द स्टमक, अगर ये स्टमक में होता है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा pH होता है 2 to 3। स्टमक में देखो, जो आपका स्टमक के ऊपर pH था यहाँ पे इस एरिया में, वो कितना था 6 to 7। जहाँ नीचे गए तो pH कितना चला गया 2 to 3। इसका मतलब 2 to 3 यहाँ पे लाई करेगा, इसका मतलब दिस इज द एसिडिक pH। अगर हम कहें कि हमारी बॉडी में एसिड ना बने तो क्या ये बेनिफिशियल है? नो। अगर आपकी बॉडी में एसिड नहीं बनता तो दोस्तों आपको और भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे ही खेतों में खाना खा लेते हैं, जहाँ वो रोड साइड पे काम करते हैं वो खाना खा लेते हैं, जहाँ वो क्या करते हैं कुछ भी कंटेमिनेटेड है हैंड उनके, उससे वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस चलते चलते खा लेते हैं। अब उसके साथ क्या पता बैक्टीरिया हों, कुछ और भी सब्सटेंस हों, तो वो आपके GIT ट्रैक के अंदर चले जाते हैं। जब वो आपके GIT ट्रैक में चले जाते हैं, अगर ये बाय नेचर आपका एसिड ना होता तो वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकते थे। तो इसलिए बाय गॉड
आपको भगवान ने बहुत सुरक्षित रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा बैरियर लगा दिया कि अगर आपकी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया चले भी जाएं तो नेचुरली ये किल हो जाते हैं, और उससे पहले कौन किल कर देता है? आपका सेल्वरी अमाइलेज, ये एंजाइम के अंदर भी बहुत पावर है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे एक मॉस्किटो बाइट करने से किसी को डेंगू हो जाता है, अगर उसी मॉस्किटो को आप मार दो और खा लो तो आपको खाने से डेंगू नहीं होगा, बाइट करने से डेंगू होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके सेल्वरी अमाइलेज ने और आपके एसिड ने क्या किया, मच्छर को ख़त्म कर दिया, उसका जो भी पर्टिकुलर केमिकल था उसको ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, इसलिए एसिड हमें चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बता दी। दूसरा क्या रहता है, द सेकेंड थिंग, जो भी आप फूड लेते हैं, अब कुछ लोग लिक्विड डाइट लेते हैं, कुछ लोग सॉलिड लेते हैं, कुछ सेमी सॉलिड लेते हैं। सॉलिड का मतलब आप चपाती खा रहे हैं तो सॉलिड फॉर्म है। अगर चपाती को आप अपने जो भी सब्जी है या जो भी आपने बना रखा है वेजिटेबल, उसमें डाल के मिक्स करके खा रहे हैं थोड़ा सा, तो उसमें क्या हो जाता है, वो स्वेल अप हो जाता है और सेमी सॉलिड सा बन जाता है। अगर आप वो नहीं कर रहे, आप दूध पी रहे हैं या कुछ और पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, तो आपका लिक्विड डाइट में आ जाता है या इमल्शन फॉर्म में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप देखें तो आपका जो सेल्वरी अमाइलेज है विच इज़ प्रेजेंट हेयर इन योर ओरल कैविटी, इट इज़ रिलीज्ड बाय दी सेल्वरी ग्लैंड्स। आपके यहाँ पे सेल्वरी ग्लैंड्स होते हैं फ्रॉम टूवर्ड दिस साइड और बिलो दी योर ईयर्स, तो यहाँ पे आपके सेल्वरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सेल्वरी अमाइलेज को सेक्रीट करते हैं। ये जो सेल्वरी अमाइलेज है ये आपके फूड के साथ एक बॉलस फॉर्म में राउंड शेप में नीचे को आता है, और ये जो मूवमेंट है, जब भी आप दोस्तों को आप सो जाते हैं रात को, तो ऐसा नहीं कि आपका सलाइवा नीचे को मूव नहीं करता, ये मूव करता है। एक मिनट में एक इंसान की बॉडी में नियरली 18-20 टाइम्स सलाइवा की मूवमेंट रहती है, अदरवाइज तो आपका ये ट्रैक तो ड्राई हो सकता है, आपका तो प्रॉब्लम आ जाएगा रात को सोए सोए। तो इसलिए ये कभी ड्राई नहीं होता, इसकी 18 से 20 मूवमेंट पर मिनट रहती हैं। तो दैट मीन कि एसिड का आपको सेकंड बेनिफिट क्या है, सपोज आपने अब सॉलिड फूड खाया, अब वो जो सॉलिड फूड था आपका, आपने क्या किया था कि सॉलिड फूड तो चला गया आपके पेट में, यहाँ तो आपने क्या किया उसको ब्रेक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आपके माउथ में टीथ थे, तो आपको तो चाहिए था अच्छी तरह उसको टेयर करना और उसको क्या क्रश करना, ब्रेक करना, बट आपने जल्दी जल्दी में खाना खाया और खाना कहाँ गया आपका, डायरेक्ट ही स्टमक में चला गया। अब आप ये सोचें एक बार कि आपके स्टमक में तो कोई भी टीथ नहीं होता, अगर वहाँ टीथ नहीं है तो आपका फूड ब्रेक कैसे होगा? अगर ब्रेक नहीं होगा तो ज़रूर वहाँ पे अगर स्टमक थोड़ा सा भी कंट्रैक्ट करता है, मूवमेंट बढ़ाता है, तो आपको पेट में थोड़ा सा पेन होगा, पेन के साथ क्या होगा, आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होगा। तो क्या है दोस्तों, जब भी आप खाना खाएँ तो इट शुड बी प्रॉपरली टेयर एंड ब्रेक विद द टीथ, उसको अच्छी तरह ब्रेक करके खाना चाहिए, क्योंकि आगे का जितना ट्रैक है आपका नीचे वाला उसमें कोई भी टीथ नहीं है, जस्ट वो क्या कर सकता है आपके फूड को ऐसे ऐसे रोल कर सकता है, तो रोलिंग से वो ब्रेक होगा। तो अगर सॉलिड फॉर्म है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये एक इनडाइजेशन की प्रॉब्लम लोगों को रहती है जो कि सही ढंग से खाना नहीं खाते, तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो सेकंड बात आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि फर्स्ट तो HCl आपके बैक्टीरिया को किल कर देता है, कोई और ऑर्गेनिज्म है उसको भी किल कर देगा, दूसरा बेनिफिट जो आप फूड खाते हैं वो फूड को HCl ब्रेक करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका टोटल जो गैस्ट्रिक फ्लूड है 2-3 लीटर के आसपास रिलीज होता है पर डे, तो ये जो 2-3 लीटर आपका फ्लूड यहाँ पे, क्योंकि उसमें क्या होगा, HCl भी होगा, गैस्ट्रिन भी होगा, पेप्सिन भी होगा और भी लिक्विड भी होगा, तो ये सारा का सारा 2-3 लीटर फ्लूड जो 24 घंटे में रिलीज हो रहा है, ये आपके फूड को क्या करता है, ब्रेक करता है और डाइजेशन करवाता है उसकी, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट है। तो दोस्तों, सेकेंड जो आपका बेनिफिट HCl का है, दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। नाउ वट कुड बी द थर्ड बेनिफिट ऑफ HCl? तो थर्ड बेनिफिट ये रहेगा आपके HCl का कि जो आपने फूड खाया उसको ब्रेक करके उसमें अगर कोई भी कंटेमिनेटेड सब्सटेंस है उसको क्या किया, ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसलिए आपको HCl चाहिए भी। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे जो HCl फॉर्म हुआ क्या वो एसिडिक था
उसने यहाँ पे एसिडिक पीएच मेंटेन की थी, क्योंकि वेन एवर यू मूव टू लोअर ट्रैक, यहाँ पे जब आ जाते हैं आप इंटेस्टाइन, जिसको कहते हैं आप स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इसलिए कहते हैं डजेंट मीन इसको बोलें कि छोटा है, ये छोटा नहीं है, इसकी थिकनेस कम होती है, और अपर साइड पे आ जाता है स्मॉल है, जो लार्ज है उसकी थिकनेस मतलब साइज बड़ा होता है, तो इसलिए ये जो ऐसे ऐसे आप देख रहे हो जिग जैग मूवमेंट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी थिकनेस कम है, तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। जो ऐसे है असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इलियम जेंजुनम ड्यूडिनम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये जो आपका जो कोलन एंड सीकम, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। तो अब दोस्तों देखें तो जो आपका स्टमक था ये भी तीन पार्ट में डिवाइड था। सपोज अगर आपको मैं यहाँ बता दूँ, ये ऐसे जे शेप स्टमक था, इसके भी तीन पार्ट थे, अपर फंडस था, सेंट्रल बॉडी था जिसमें HCL होता है, और लोअर क्या था, टेल पार्ट, पाइलोरिक पार्ट जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो यहाँ पे आके एक एक डोर मिलता है, जिसको आप एक दरवाजा बोलते हैं, उसको हम कहते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब एक दरवाजा, तो इसका मतलब जब आपने फूड खाया, फूड ने आके यहाँ डोर के ऊपर नोक किया या वेट डाल दिया, तो ये आपका स्फिंक्टर क्या हुआ, ओपन हो गया, इसने अलाउ किया कि फूड कैन मूव टूवर्ड द स्टमक साइड। और जब स्टमक में ऐसे प्रेशर बढ़ता है पाइलोरिक पे, ये इंटेस्टाइन में चला जाता है, एक मूवमेंट रहती है, आई विल डिस्कस इन द अदर लेक्चर, तो ब्रीफ एनाटॉमी आई विल डिस्कस विद यू। तो बट मैं यहाँ पे ये जो कहना चाहता हूँ कि आपका एसिड जो बना, वो एसिड ने यहाँ पे आपको क्या किया, अगर उसको आप न्यूट्रलाइज नहीं करते तो वो क्या करता है, जलन करता है। अब आपको थोड़ा सा बताऊँ कि ये कैसे बनता है। एसिड इज ए सबस्टांस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन। तो मैंने आपको दोस्तों कहा था कि pH टूवर्ड एसिडिक मीन H पॉजिटिव आयन जो है वो सबस्टांस, वो केमिकल ज़्यादा रिलीज करते हैं, तो इसलिए pH बढ़ेगा तो इसका मतलब बेसिक सिटी है, pH H पॉजिटिव ज़्यादा बढ़ेगा pH टूवर्ड एसिडिक जाएगा, सो दैट मीन आपका न्यूट्रल जो रहता है दैट इज नियर टू 7। नाउ इसमें आपको मैंने बता दिया है कि नॉट ओनली द एसिड, क्योंकि एसिड आपके यहाँ पे पेराइटल सेल प्रोड्यूस करते हैं, सो जो पेराइटल सेल हैं दे प्रोड्यूस HCl, तो ऐसा नहीं कि आप खाना ना खाएं तो HCl रिलीज नहीं होगा, थोड़ा सा तो HCl बनेगा ही बनेगा, तो इसलिए कुछ चीज़ों का आप जरूर ध्यान में रखें, आज मैं आपको ये बताऊंगा भी। तो इसका मतलब आपके पेट में दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर और एक होते हैं हार्मफुल फैक्टर। तो सपोज़ आपको मैं आज क्लियर कर दूं कि कौन कौन से फैक्टर प्रोटेक्टिव होते हैं। ये आपका स्टमक था तो स्टमक में कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर थे, जैसे यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन थी, तो ये म्यूसिन सिक्रीट करती है, म्यूसिन। सो म्यूसिन एक लगाएं कि विस्कस सा सबस्टांस होता है, जो कि कहते हैं स्लिपरी होता है, फूड को स्लिप करवा देता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका फूड या HCl अटैक नहीं करेगा। दूसरा यहाँ पे आपके बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, सो बाइकार्बोनेट आयन दोस्तों कहाँ से बनते हैं, आपके बाइकार्बोनिक एसिड से बनते हैं। सो बाइकार्बोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, H2CO3 में, बाइकार्बोनिक एसिड में, और बाइकार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव आयन में। तो ये जो HCO3 नेगेटिव है, बाइकार्बोनेट आयन है, ये आपके पेट के लिए बेनिफिशियल है। कहने का मतलब जब भी किसी को जलन होती है तो वो नींबू पानी पीते हैं या वो इनू पीते हैं, तो आपको आपने कभी देखा हो कि इनू का कई बार ऐड आता है तो इमीडिएट वो पर्सन इनू पी लेता है, तो कहता है नाउ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक इंसान ने इनू का पाउच पिया, इनू ने जाके वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने रिलीज कर दी, ये जो वाटर था H2O, ये तो आप पी रहे हैं पानी, तो पानी ने आपके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर दिया, और रिएक्ट करने के बाद आपके वहां पे एंजाइम था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसने क्या किया H2CO3 फॉर्मेशन कर दी, और जो आपका H2CO3 था वो ब्रेक हुआ H पॉजिटिव में और HCO3 नेगेटिव ने। अब जो आपका बना HCO3 नेगेटिव, इसने क्या किया, इट विल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन आयन, सो
इसमें क्या बन जाता है कि हाइड्रोजन भी रहता है, क्लोराइड भी रहता है कई बार, तो एक साइड तो HCl बनता रहता है, दूसरी साइड क्या रहता है H2CO3 फॉर्मेशन हो जाता है। सो जहाँ वहाँ पे क्या हो जाता है H2O सेपरेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी सेपरेटेड। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो आपका बाइकार्बोनिक एसिड है, बाइकार्बोनेट आयन है, वो आपका बेनिफिशियल है। तीसरा क्या रहता है, व्हाट आर अग्रेसिव फैक्टर। अग्रेसिव होते हैं कि मैं आपको ब्रीफ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि क्या क्या अग्रेसिव होते हैं। सपोज आप क्या खा रहे हैं, एसिडिक फूड खा रहे हैं, तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ आज कि कौन कौन से फूड एसिडिक हैं, आपको नहीं खाने चाहिए, और अगर खाने चाहिए तो इन द लेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में खाने चाहिए। तो दोस्तों एक तो ये रहा आपका एसिड, मीन फास्ट फूड रहा। दूसरा आपका क्या रहता है, स्ट्रेस, जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, जिनको टेंशन रहता है माइंड पे, ठीक है। तीसरा आपका क्या रहता है, एच पाइलोरी। तो दोस्तों ये एक एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो आपके पेट में सर्वाइव करता है। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए बेसिक पीएच, अदरवाइज ये क्या होता है, डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये अपनी बॉडी में एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं यूरिएज। तो ये जो यूरिएज एंजाइम है वो इसके लिए बेसिक पीएच मेंटेन करता है, तभी एच पाइलोरी आपकी बॉडी में सर्वाइव करता है। अब आप बोलें कि एच पाइलोरी कहाँ से आता है, आप नीचे देखें सैंड में, मिट्टी में एच पाइलोरी होता है कई जगह पे। तो आप कंटेमिनेटेड चीज़ कोई भी खाएंगे तो एच पाइलोरी आपके पेट में जा सकता है, बट कंडीशन ये है कि हर एक की बॉडी में भी चला जाए तो ये अल्सर कॉज नहीं करता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कईयों की बॉडी का इंटरनल डिफेंसिव मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है, उनकी हेल्थ अच्छी होती है, वो एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा फूड खाते हैं, तो इसलिए हर की बॉडी में एच पाइलोरी अटैक नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड में सभी को अफेक्ट नहीं किया, उन लोगों को किया जो कोमॉर्बिड थे, डायबिटीज से सफ़र कर रहे थे, अम्यून कंप्रोमाइज थे, जिनका इम्यून सिस्टम वीक था। ऐसे ही यहाँ पे ये कंडीशन आ जाती है कि एच पाइलोरी भी उस बंदे को अटैक करता है जो वीक है, जो गैस्ट्रिक की तरफ अपना ध्यान नहीं देता, हेल्थ की तरफ अपना ध्यान नहीं देता। ऐसी ऐसी कंडीशंस रहती हैं, मैं आपको और भी नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। सो ये एक बैक्टीरिया रहता है जो एच पाइलोरी है। सो आपको मैंने बताया HCl अग्रेसिव है, पेप्सिन अग्रेसिव है, एच पाइलोरी अग्रेसिव है, डिफेंसिव आपका म्यूकस है, बाइकार्बोनेट है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन रहती हैं। ये कुछ हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। सो दोस्तों ये आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा रेड मीट, तो कभी भी आप देखें तो जो रेड मीट खाते हैं, जो मान लो कि हम ये कहें कि नॉन वेज जो है वो खाते हैं फॉर ए यू कैन से रेगुलर बेसिस पे भी खाते हैं, और देन वी कैन से कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, जहाँ वो सही पका हुआ नहीं खाते। तो उसमें क्या रहता है कि जब भी आप कोई फैट लेंगे या नॉन वेज लेंगे तो ये क्या करता है, आपके स्टमक में चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देखें तो जितने भी नॉन वेज हैं, इसको आप प्लेट में कहीं भी अपने किचन में बाहर रख दें, 3-4 दिन के बाद अगर उसको देखें तो कई तरह के बैक्टीरिया वहां आपको मिलेंगे। इसका मतलब कहने का कि ये चीज़ें आपकी बॉडी में कल्चर का काम करती हैं, समझ गए ना। तो एक कल्चर का काम करती हैं, कहने का मतलब कि जिस बंदे की बॉडी में एच पाइलोरी था पहले, उसको कोई और चीज़ नहीं मिल रही थी ग्रोथ करने के लिए, बट जब आपने नॉन वेज ज़्यादा अमाउंट में खाया तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब इसमें तो ग्लूकोज भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, तो क्यों ना मैं इसको मीडियम यूज़ करूं। तो उसने उसको मीडियम यूज़ किया, जब उसने उसको मीडियम यूज़ किया तो एच पाइलोरी की वहाँ पर ग्रोथ हुई। जब एच पाइलोरी की ग्रोथ हुई तो एच पाइलोरी ने आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को डिग्रेड किया। जब इसने आपके ये जो स्टमक था, इसकी ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी, इसको डिग्रेड किया, तो आपके स्टमक में म्यूकोसल जो मसल होते हैं, मस्कुलर लेयर, वो आपका क्या हुआ, डायरेक्ट कंटेक्ट में आ गया किसके, HCl में। अब आपको पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ, अब आपको लगा कि मेरे पेट में एसिडिटी है। तो दोस्तों कभी भी यू कैन से जो आपने अच्छी तरह फ्राई नहीं किया या ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो यू शुड पर्टिकुलरली सी फॉर दिस थिंग कि आप ऐसा रेड मीट ना खाएं। दूसरा क्या आ जाता है, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस, कोई पुअर है,
कोई जॉब नहीं मिल रहा किसी को, या कुछ भी प्रॉब्लम है घर पे, तो हर इंसान स्ट्रेस लेता है। और कभी आप देखें तो कोई इंसान स्ट्रेस में बैठा है, अगर आप उसको बोलें लो खाना खा लो, चाहे कितना भी अच्छा खाना आप दे दो, वो बोलेगा नहीं आई एम नॉट विलिंग टू ईट दिस थिंग, तो विलिंग नहीं होता खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रेस होती है। और स्ट्रेस जो है ये एंटी एपेटाइजर है, एपेटाइट को कम करती है। ये क्यों करती है? क्योंकि हमारी बॉडी में लेप्टिन एंड गैरालिन दो हार्मोन होते हैं विच आर रिलीज्ड बाय अवर हाइपोथैलेमस। तो गैरालिन लेप्टिन का बैलेंस रहता है, गैरालिन बढ़ जाए हो सकता है आपकी एपेटाइट बढ़ जाए, लेप्टिन बढ़ जाए माइट भी आपकी एपेटाइट कम हो जाए। तो इनका आपस में क्या रहता है, बैलेंस रहता है। जब भी कोई इंसान स्ट्रेस लेता है, और भी कई फैक्टर रहते हैं, स्ट्रेस में HCL की अमाउंट बढ़ती है, सो दैट मीन दिस इज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर। स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, आई विल डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट इज अल्कोहल। तो आप देखें तो सभी लोग अल्कोहल पीते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है हु विल टेक अल्कोहल आफ्टर फूड। फूड के बाद तो कोई भी अल्कोहल नहीं लेता, क्योंकि सबको पता है कि मेरे को वॉमिटिंग आती है। तो इसका कहने का मतलब है कि अल्कोहल फूड से पहले लेनी चाहिए। अगर अल्कोहल फूड से पहले लेते हैं तो ये क्या करती है, ये भी एसिडिटी करती है, क्योंकि अल्कोहल कंटेन फ्री OH ग्रुप्स, तो जो कि हाइड्रोजन के लिए डोनर रहते हैं। तो ये जो अल्कोहल है अगर कोई एक्सेसिव कंसंट्रेशन में लेता है तो आपका जो गैस्ट्रिक ट्रैक है उसकी जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है उसको भी चेंज करता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी करता है। अगर कोई मॉर्निंग टाइम पे ले ले सुबह सुबह तो उसमें तो और ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि उस टाइम पे तो आपका HCL भी यहाँ स्टमक के अंदर बना हुआ है। तो जब आप मॉर्निंग टाइम पे लेंगे तो ये HCL के साथ और डबल काम करेगा। सो कैन कॉज अल्सर, वहाँ पे आपके स्वेलिंग कर सकता है, अल्सर कर सकता है। एक्सेसिव स्मोकिंग, तो दोस्तों जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग में आपको पता है निकोटीन भी होता है, स्मोकिंग में और भी कई टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। तो जो निकोटीन है ये आपका स्टिमुलेंट है। मैं कैसे आपको कोरिलेट कर देता हूँ, स्मोकिंग कंटेन निकोटीन एंड टी कॉफ़ी कंटेन निकोटीन। अब आप देखें कि सुबह उठते हैं, आप सुबह उठते ही चाय पी लें और साथ में कोई भी चीज़ ना खाएं, तो आप अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, नेवर टेक टी अलोन। सुबह सुबह सिगरेट ना लें, जब सुबह सुबह अकेली कॉफ़ी और टी ना लें, क्योंकि निकोटीन आपका स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेशन का मतलब ये HCL की सिक्रीशन बढ़ाता है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। स्पाइसी फूड, तो जब आपने देखा कि आपके पेट में अल्सर थे, स्ट्रेस से सफ़र कर रहे थे, आपने स्पाइसी फूड भी ले लिया, अब जो आपका स्पाइसी फूड है उसने क्या किया, HCL का सक्रीशन बढ़ा दिया, और उससे आपके क्या हुआ, पेट में यू फील दैट आई एम फीलिंग देर इज़ ए एसिडिटी। नेक्स्ट आ जाता है देयर आर सम एक्सेसिव कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मल मात्रा में लें तो ड्रिंक्स जो होती हैं वो अच्छी भी होती हैं कोल्ड ड्रिंक, बट अगर आप एक्सेसिव लेते हैं तो इट इनडायरेक्टली, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें भी कुछ ना कुछ कैफीन होता है, कोल्ड ड्रिंक में कैफीन होता है, तो कैफीन भी गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट है, आपकी कॉफ़ी में भी कैफीन होता है। सो ये कहीं ना कहीं आपके GIT ट्रैक को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और उस स्टिमुलेशन से क्या होता है, HCL की सेक्रीशन पेट में बढ़ती है। सो सुबह उठते कभी भी बिना खाना खाए कोल्ड ड्रिंक कभी ना पिए, खाना खाते टाइम भी कोल्ड ड्रिंक ना लें, क्योंकि आपकी अब्सॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा ही करेगा। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका जो आज की डेट में बहुत बहुत फेवरेट है लोगों का, फास्ट फूड, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है। तो इन चीज़ों में दोस्तों क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑयल में बनी होती चीज़ें हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बता दूँ तो जैसे रिफाइंड ऑयल जो है वो जमता नहीं है, गाढ़ा नहीं होता, विस्कस नहीं होता, बट जो चीज़ गाढ़ा हो जाए, विस्कस हो जाए, जम जाए, उसको आप कहते हो अनसैचुरेटेड। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, ऐसी चीज़ें आपका HCL बढ़ाती हैं। तो ये इन चीज़ों का आप लाइफ में ज़रूर ध्यान रखें। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया एसिड क्या होता है, कैसे बनता है, कौन सी चीज़ों से बनता है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इन चीज़ों का आप कैसे कम करें, कौन से नेचुरल मेथड हैं कि आप नॉर्मली कम कर सकते हैं, वो मैं उसमें आपको बताऊंगा। आप लाइक करो, शेयर करो, एंड वेलकम यू ऑल।